हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा आज आपको गुरु में मंगल का अंतर्दशा के फलादेश बताना चाहूँगा। यदि किसी जातक की गुरु की महादशा में मंगल का अंतर्दशा चलती हो तो ऐसे में क्या फलित आएंगे। ओके, तो गुरु की जो महादशा है वो 16 वर्ष की होती है और गुरु में जो मंगल का अंतर होता है वो 11 माह 18 दिन का होता है। आपका जो जन्म का नक्षत्र है या चंद्रमा का नक्षत्र ही महादशा तय करता है। तो महादशा के संबंध में मेरा एक वीडियो है कि महादशा क्या होता है। ये राहु की महादशा का एक वीडियो है, उसको आप देखेंगे तो बहुत डिटेल है उसमें, बहुत सारी काम की चीज़ें आप जरूर देखें उसे। तो गुरु के मंगल में आपको काम की बात मैं फटाफट बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये जान लें कि आपकी जब ग्रह दशा चलती है, जैसे गुरु में मंगल का, तो ये देखा जाता है कि ग्रह कहाँ बैठा है ना। तो उसकी दशाएं 5 प्रकार की होती है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, प्राणदशा, सूक्ष्म दशा, इसके भी 9 भाग होते हैं। इसीलिए हमारे ज्योतिष के बहुत ही सटीक और अच्छे रिजल्ट आते थे। जो लोग ज्योतिष के जानकार थे वो इतना सब टेक्निक्स का उपयोग करते थे ज्योतिष में, जब अच्छे रिजल्ट देते थे। फिर जातक की कुंडली भी सही होती थी, है ना। तो फिर गोचर भी देखा जाता है, कौन सा ग्रह कब फल देगा, या निर्धारण के लिए ज्योतिष के कुछ सिद्धांत है, जैसे ग्रह किस भाव में बैठा है, उस पर कौन से ग्रह की दृष्टि है, शुभ है या अशुभ है, नीच का है या उच्च का है, शत्रु और मित्र राशि में बैठा है, ग्रह अस्त तो नहीं है, ग्रहस्थ युवा है, वृद्ध है, ग्रह की दशाएं, अवस्थाएं, बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स है। इसके बाद सर्वाष्टक में उसको कितने नंबर मिले हैं, ठीक है, और गोचर और दशा महादशा, ये सारी चीज़ों का जब मेल होता है तब कोई ज्योतिषी अच्छे रिजल्ट देता है। तो जैसे आपकी गुरु में मंगल के अंतर्दशा चल रही है, तो गुरु अच्छी स्थिति में बैठा हो या मंगल अच्छी स्थिति में बैठा हो, अच्छे स्थान में बैठा होगा, निश्चित रूप से अच्छे फल उसके आते हैं। इसमें कोई जो लोग लोग कहते हैं कि एक हमेशा कोई ग्रह यदि नीच का है तो हमेशा खराब का नहीं फल देगा, कभी थोड़े से खराब के फल देगा, बाकी अच्छे फल देता है। हमेशा परमानेंट कोई भी ग्रह आपका नुकसान नहीं करेगा, ये बिल्कुल सटीक बात है। इसलिए आप लोग किसी प्रकार के ऐसे मन में जो बातें होंगी, फालतू की बातें, उसे डरे ना। जो आपको गुरु में मंगल की का जो दशा चल रही है, तो उसमें गुरु के कारकत्व तो जानना जरूरी है। लेकिन मैंने गुरु के अपने कारकत्व तो जो होते हैं कि गुरु के किस किस कारणों के लिए गुरु जिम्मेदार होता है, अपने वीडियो बनाए हूँ कि गुरु की महादशा में गुरु का अंतर, वो वीडियो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। नहीं तो ये चीज़ें पुनः रिपीट होगी, वो जो ठीक नहीं है। मैं आपको मंगल के कारकत्व जरूर बता देता हूँ। मंगल की पित्त प्रकृति है। ये जो मंगल के कारकत्व मैं बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ मेडिकल के क्षेत्र में है। यदि कोई व्यक्ति जातक जिसकी कुंडली में महादशा, गुरु की महादशा में मंगल का अंतर चल रहा है, उसको हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे कोई सिम्टम उसको, यदि मंगल उसका खराब है, तो ऐसे सिम्टम देख सकते हैं। मंगल की पित्त प्रकृति है, आक्रामक तथा ऊर्जावान है। कुंडली में मंगल की स्थिति जातक के स्वास्थ्य, तेज चेतना की प्रबलता को प्रतिबिंबित करती है। इसका अधिकार क्षेत्र सिर, अस्थि, मज्जा, पित्त, हीमोग्लोबिन, रक्त में लाल कणिकाएं, कोशिकाएं, एंडोमीडियम, गर्भाशय के अंत दीवार, अर्थात वह उर्वरा स्थान जहाँ बीज प्रत्यारोपण में शिष्य शिशु बनता है। मंगल दुर्घटना, चोट, शल्यक्रिया, जल जाना, सूर्य के प्रभाव, विशेष रूप से रक्त विकार, तंतुओं की फटन, उच्च रक्तचाप, पित्त जन्य सूजन, उसके कारण होने वाले ज्वर, पित्ताशय की पथरी, शस्त्र से चोट, विषाक्तता, उष्मा के कारण, जहर का भी कारण होता है, के कारण होने वाले रोग, अत्यधिक प्यास, फफोले सहित बुखार, विकार, मिर्गी, त्वचा खुजली, हड्डी के टूटना, अरस, बवासीर, कर बहुत सारी चीज़ों का ये कारक होता है, ठीक है। और भी मंगल के कारक है, जैसे शरीर शक्ति, बीमारी, पेशाब करने में कष्ट, लोगों पर शासन करना, प्रशासक, चोर, उदार, चाह, क्रोध, यश, चरित्र, है ना। भूमि, भूमि का विशेष कारक होता है, भूमि, वाहन, है ना, लड़ाई झगड़े का कारण होता है, अग्नि का कारण होता है, शस्त्र का कारण होता है। तो ये मैंने खास खास इसके कारण आपको बता दिया हूँ। अब आपको ये बता दूँ कि मंगल उच्च राशि का कब होता है। मंगल मकर में जब ठीक एग्जैक्ट 28 डिग्री का होगा तभी वो उच्च का कहलाएगा। नीच का कब कहलाएगा, जब कर्क राशि में 28 डिग्री का हो तो नीच का कहलाएगा। यदि 20 डिग्री का हो तो शायद अच्छे नीच के रिजल्ट नहीं देगा। यदि 28 डिग्री में यदि वो मकर उच्च का है, तो मकर 15 डिग्री में यदि है और मकर राशि में, तो शायद उच्च के भी फल नहीं देगा। ये विशेष बात ज्योतिष में होती है। तो लोग कहते हैं कि मेरा उच्च का मंगल है, लेकिन भैया कितना डिग्री का है, वो 28 डिग्री का नहीं है, वो तो 2 डिग्री का होगा, तो कहाँ से उच्च के फल देगा। हो सकता है कि आपकी कुंडली में नीच का मंगल है, ठीक है, कर्क में, लेकिन वो 15 डिग्री का हो, उसको होना चाहिए 28 डिग्री का, तब नीच का देगा। तो ये बात विशेष है, आपको ध्यान देना चाहिए।
इसलिए कहा जाता है कई की कुंडली में नीच का मंगल होकर भी अच्छे रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि प्रॉपर 28 डिग्री में नहीं है। यदि उच्च का है तो भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, क्योंकि प्रॉपर 28 डिग्री में नहीं है। तो 28 डिग्री उसका मेंटेन होना चाहिए। अब सिद्धांत पे आते हैं, थ्योरी नंबर वन। यदि मंगल गुरु में मंगल की दशा है, अंतर दशा चल रही है, मंगल यदि स्वराशि में उच्च या उच्च नवमांश में हो तो घर में विवाह आदि उत्सव, ग्राम भूमि का लाभ, सामर्थ्य की वृद्धि, सब कार्यों की सिद्धि होती है। देखिए, यदि आपकी गुरु की महादशा में मंगल का अंतर चल रहा है और मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है, ये तुला लग्न की कुंडली से मैं बता रहा हूँ। यदि मंगल यहाँ पे देखो, मंगल मकर में दशा उच्च का होता है, ठीक है, मंगल यहाँ वृश्चिक राशि में स्वराशि का है, मंगल यहाँ मेष में स्वराशि का है। यदि मंगल अच्छी प्लेसमेंट है, यदि उसको गुच्छ से दृष्ट है या कोई अच्छे उच्च के ग्रह से दृष्टि पा रहा है, शुभ ग्रह से दृष्टि हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो अच्छे रिजल्ट देगा। ये पहला सिद्धांत हुआ। सिद्धांत नंबर दूसरा है, दशापति से केंद्र त्रिकोण 11वें या दूसरे भाव में शुभ ग्रह से युत दृष्ट मंगल हो तो धन धान्य संपत्ति मिष्ठान भोजन राजा की प्रसन्नता स्त्री पुत्र से सुख प्राप्ति पुण्य फल का उदय होता है। ठीक है, ये तुला लग्न की कुंडली में आपको उदाहरण से बता रहा हूँ, और आपको इसके लिए दशापति से आपको मंगल को देखने के लिए, दशापति से आपका मंगल कैसा है तो आपको गुरु की कुंडली बनाकर देखना चाहिए, क्योंकि आपकी गुरु में मंगल की अंतरदशा चल रही है, तो गुरु यहाँ मुख्य ग्रह है ना, तो गुरु में की कुंडली आपको बनाकर देखना चाहिए। जैसे आप चंद्र कुंडली में चंद्र की कुंडली से देखते हैं, तो यहाँ सब गुरु से, मैंने तुला लग्न की कुंडली है, यहाँ केंद्र में मैंने उसको गुरु रख दिया हूँ लग्न में, जिससे ये भी हो जाता है कि वो दशापति से कैसे देखेंगे। ठीक है, तो हर एक कुंडली में ये हर एक प्रकार से हो सकता है, तो लेकिन ये सिद्धांत तो सभी कुंडली पे लागू होता, सभी लग्नों पे लागू होता है। यदि गुरु केंद्र में बैठा हो तो ये मैंने केंद्र बता दिया हूँ, ठीक है, ये पहला स्थान केंद्र का कहलाता है, चौथा स्थान केंद्र का कहलाता है, ये सातवां स्थान और ये दसवां स्थान, ठीक है, और ये 11वां स्थान, ये दूसरा स्थान, ये और ये 5वां स्थान मूल त्रिकोण त्रिकोण कहलाता है, और ये भी त्रिकोण। यदि ऐसे शुभ स्थानों पर बैठेगा गुरु तो निश्चित रूप से फल देगा। अब तुला लग्न की कुंडली में यदि गुरु मंगल यहाँ पे बैठा तो नीच का हो गया। देखिए, तुला लग्न की कुंडली है लेकिन मंगल केंद्र में बैठा है लेकिन यहाँ नीच का हो गया है, तो शायद फलों में कमी आ जाए, ऐसे में फल अच्छे नहीं दे सकता। यही कारण है कि ज्योतिष में लगभग 90% तो ऐसे मामले जिसमें नेगेटिव ही रिजल्ट आता है, इसलिए कभी भी ज्योतिषी शुभ नहीं बोलता, अशुभ बोलता ही बोलता है। दिक्कत उसके साथ ये है कि 90% ज्योतिष के ऐसे फलादेश है जो नेगेटिव होते हैं, ये ज्योतिष का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, इसीलिए लोग ज्योतिष के नाम से ही डरते हैं। नंबर थ्योरी नंबर तीन, तीसरा जो सिद्धांत है, दशापति से, दशापति यहाँ पे गुरु कहलाएगा क्योंकि गुरु में मंगल चल रहा है। दशापति से मंगल यदि 8-12 नीचे में पाप ग्रह युत हो तो बहुत पॉजिटिव नहीं होगा, मैं नेगेटिव बोलना भी नहीं चाहता, ठीक है, अंत में सुख भी होता है। मंगल द्वितीय सप्तमी से हो तो शरीर को कष्ट मानसिक व्यथा होती है, ठीक है। ये सिद्धांत ये है कि जैसे यहाँ पे मंगल, देखिए यहाँ पे द्वितीय से है इसी कुंडली में, तुला लग्न की कुंडली में मंगल द्वितीय भी है और सप्तमेश भी है, तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि तुला लग्न की कुंडली में मंगल बहुत पॉजिटिव नहीं है। यदि ऐसी स्थिति आ रही है तो उसके शांति के विषय में ऋषि पारासर ने कहा है कि वृष मतलब बैल का दान, तो भैया हम बैल नहीं ला सकते, है ना, ना हमारे पास बैल है, हम दूसरा उपाय बताता हूँ बहुत सटीक, वो भी ऋषि पारासर ने ही बताया है, ठीक है। अब ये मंगल का मित्र कौन सा ग्रह होता है? मंगल का मित्र ग्रह सूर्य चंद्र गुरु, ये मंगल का मित्र ग्रह कहता है, और इसके सम सम ग्रह कहलाते हैं शुक्र और शनि। वो मंगल का जो शत्रु है वो बुध ग्रह जो है मंगल का शत्रु ग्रह है। अब मैं आपको उपाय बता दूं कि ऋषि पारासर ने भाला कि वृष का दान, बैल का दान, भैया हमको बैल का दान नहीं करना है, कोई आदमी साधु प्रवृत्ति का कहाँ बैल ढूंढेगा, लफड़े में जाएगा, चक्कर करेगा, तो आपको सरल उपाय बता देता हूँ। सरल उपाय ये है, जो एक मेन जो शुद्ध सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति किसी तरह से ईश्वर भक्ति करता है तो उसका पितृण मातृण और पृथ्वी ऋण सभी प्रकार के ऋण से वो उऋण हो जाता है और पृथ्वी माता नाचने लगती है, ऐसा नारद भक्ति में लिखा हुआ है, ठीक है। आजकल जो ज्योतिषी लोग आपको डरा रहे हैं, बोले वो पितृदोष है, मातृदोष है, ठीक है, और पिता का दोष है, माता का दोष है, ऋण है, काल सर्प योग है, और पता नहीं क्या क्या बोल के आपको लूट रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजी से, है ना। तो आपको बटना, यदि आप भगवान का नाम लेते हैं, किसी भगवान का नाम लो, कोई ऐसा थोड़ी है कि किसी भगवान का मोहताज हो आप, कोई भी भगवान का, ईश्वरी शुद्ध मन से ईश्वरी प्रेरणा, ईश्वर की सच्ची प्रेरणा प्रार्थना करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी आपको बाहर का मार्केट का आदमी ऐसा बताएगा,
उसकी दुकान निश्चित रूप से बंद होगी, लेकिन वो आपको ऐसा नहीं बताएगा। इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपको ये भी तरीका है कि कोई भी ईश्वर भक्ति करते हो तो आपकी सभी ग्रह की शांति होती है, लेकिन मार्केट का पंडित आपको ऐसा नहीं बताएगा। वो आपसे शिव की सोने की मूर्ति बनाएगा, वो झोपड़पट्टी के लोगों से भी शिव के सोने की मूर्ति बनवा के पैसे लूट रहे हैं लोग, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। वो तो लूटेगा भाई, आपको बचना चाहिए, आप वो लूटो पीटो मत। देखिए, आपको दान देने की बात आती है, अब गरीब आदमी क्या दान देगा? जो 5,000-10,000 काम का आ रहा है, ईटा भट्टे में काम कर रहा है, होटल में काम कर रहा है, वो दान देगा? दान केवल लखपति करोड़पतों के लिए है। तो हो सकता है ये ज्योतिषी की बात कुछ राजा महाराजाओं के लिए ऋषि पार्षद ने लिखी होगी, है ना? आप तो झोपड़पट्टी का आदमी हाथ दिखाने चला जाता, महाराज मेरा कब भाग्य उदय होगा? तो ये दान गरीबों को नहीं देना, पैसे वालों के लिए, संपन्न लोगों के लिए दान है, ठीक है? दान, जप, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय जप और गुरु प्रदत्त मंत्र, कोई भी स्वाध्याय करना, धर्मशास्त्र का पठन पाठन, रामायण, गीता, भागवत पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, विभिन्न प्रकार के स्त्रोत पाठ, जैसे राम रक्षा स्त्रोत, नवग्रह स्त्रोत भी बहुत बढ़िया है। नवग्रह स्त्रोत से एक ही बार नवग्रह स्त्रोत का पाठ कर लोगे तो सभी ग्रह की शांति होती है। इनमें से कोई एक जप पाठ करें, परेशान ना हो। प्रतियोगिता वाले छात्र के चक्कर में पढ़े ना, वो सिर्फ पढ़ाई करें, ठीक है? कोई भी रामचरित मानस पढ़ लें, सॉरी हनुमान चालीसा पढ़ लें, जो भी सरल से पढ़ना पढ़ लें, उनके मन में कोई भ्रम हो तो। गरीब व्यक्ति कोई दान ना दे, केवल प्रभु का नाम ले। गर्भवती माता, किशोरी बालिकाएं कोई व्रत ना करें और ज़्यादा परेशान ना हो। वो कोई भी एक पाठ कर सकते हैं जिससे आपका काम हो जाएगा। आत्मबल को मजबूत करना ही होगा, तभी आप लूटपाट से बचकर संकट से उभर सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत डराने वाले बैठे हैं। मैं आपको एक और सस्ता रास्ता बताता हूँ कि माला जाप का बड़ा महत्व होता है, तो इसलिए जाप यदि, क्योंकि महर्षि पारसन ने भी कहा कि जाप के बारे में कहा है, ठीक है, रुद्री जाप है। रुद्री जाप तो बहुत भाई संस्कृत का होता नहीं बनता, तो सरल उपाय बता रहा हूँ आपको। देखो, एक माला में 108 गुड़िया होते हैं, 108 का महत्व बता रहा हूँ। 108 ही क्यों होते हैं माला में, ये कारण बता रहा हूँ। 12 राशि होती है और उसके 9 ग्रह होते हैं, ठीक है? इसका भी 8 100 जोड़ है, 100 इसका पूरा योग 108 आता है। 27 नक्षत्र ज्योतिष में होते हैं और एक नक्षत्र का 4 चरण होता है, तो ये 108 होता है इसका योग भी। इसका मतलब ये हुआ, कोई जातक यदि शुद्ध मन से एक माला भी कर लेता है, ओम नमः शिवाय का, ओम भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, जो भी उसको मंत्र है उसका है पढ़ ले, तो पूरा वो एक में 27 नक्षत्रों की और पूजा एक साथ वो कर लेता है, 12 राशि की पूजा एक साथ कर लेता है, 9 ग्रह की स्तुति एक साथ कर लेता है। इसलिए शुद्ध मन से एक माला भी आप कर लो तो बहुत अच्छा। अब माला आप कमलगट्टे की ले सकते हैं, तुलसी की ले सकते हैं, बेल की ले सकते हैं, जो अब माला आपको अवेलेबल हो उससे करिए। विष्णु सहस्त्रनाम भी बहुत सटीक उपाय है, कई वीडियो में बता चुका हूँ मैं। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।